जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज जबरदस्ती नहीं, क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, यही है। उसी प्रकार ये भी फर्जी मुकदमा है, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। सारे मुकदमे उनके फर्जी हैं, जबरदस्ती लगवाए गए। नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत। एसडीएम ज्योति मौर्या मामले कमांडेंट मनीष दुबे पर गिरी गाज, सस्पेंड करने और विभागीय जांच करने के आदेश। बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्या की वजह से चर्चा में आई कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे बुरी तरह फंस गए हैं। डीजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश विजय कुमार मौर्या ने मनीष दुबे को सस्पेंड करने के विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। बता दें कि प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्या ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या पर गंभीर आरोप लगाए थे। पति पत्नी के बीच की कलह मीडिया की सुर्खियां बन चुका था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या की शादी आलोक मौर्या के साथ 10 साल पहले हुई थी। पति आलोक मौर्या का कहना है कि पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट पद पर तैनात मनीष दुबे से था। आलोक मौर्या ने दावा किया था कि फरवरी महीने में दोनों को सरकारी आवास पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। पत्नी ज्योति मौर्या ने भी पति पर धोखे से शादी करने के दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था। पति ने बताया कि 4th क्लास की नौकरी कर पति को उच्च शिक्षा दिलाने की मदद की और अफसर बनाने के बाद छोड़ना चाहती है। पति पत्नी के विवाद लखनऊ पहुंचा। एसडीएम ज्योति मौर्या ने उच्च अधिकारियों के सामने सफाई पेश की थी। शासन की तरफ से मामले की जांच का जिम्मा प्रयागराज डीआईजी होमगार्ड को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट में पति आलोक मौर्या के लगाए गए आरोप सही निकले। प्रयागराज डीआईजी होमगार्ड की रिपोर्ट में मनीष दुबे को सस्पेंड करने और विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की गई। सबूतों के आधार पर डीजी होमगार्ड ने विजय कुमार मौर्या ने मनीष दुबे पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज जबरदस्ती नहीं, क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। ज्योति मौर्य के भिन्न बहुत सारे आरोप लगाए हैं, सर ज्योति मौर्य के भिन्न लगाए, क्या कहना है आपको? और सर जितना सर हमारा सर जांच चल रही थी, जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से कमेटी गठित हुई, जो मैंने आरोप लगाए थे, वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। तो आपका क्या कहना है, जो पारिवारिक विवाद पे जिस तरीके से ज्योति मौर्य आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप? सर बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और आगे मैं यही चाहूंगा कि झूठे बुनियाद में, झूठे FIR में और कोई परिवार न फंसे, क्योंकि इसका मेन कारण मनीष दुबे। आपका ये पूरा विवाद था इस मामले में, आपकी पत्नी ने अर्जी दाखिल की थी तलाक की, आज इसमें आप पेश हुए, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? सर अभी सर हमने वहाँ से कॉपी निकलवाने की गुजारिश की है हमारे एडवोकेट साहब ने, और सर अगली डेट 18 लगी हुई है सर, उस पर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाया है दहेज पुलिस का मुकदमा दर्ज कराया, उस मामले में भी आपके बयान हो गए हैं, क्या कहना है आपका? सर जैसे मेरा एक बयान अभी डीजी साहब की जो कमेटी गठित हुई थी वहाँ पे हुआ, उसकी सच्चाई खुलने जा रही है, उसी प्रकार ये भी फर्जी मुकदमा है, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। सारे मुकदमे उनके फर्जी हैं, जबरदस्ती लगवाए गए। पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि वो अवैध ढंग से जो है वो कमाई भी करती है, क्या? सर अभी अभी हम कोर्ट से होले सर, कोर्ट के काम के बाद। सर जवाब, आप जो है समझौते के लिए भी तैयार हैं? सर समझौते के लिए मैं बच्चों के लिए, बच्चों के समझौते के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर आपकी पत्नी वापस आ जाती सब भूल जाएंगे। इसका दिया है मैंने, दुबे का दिया है, हमारी सबसे बड़ी मांग इसको बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जहाँ हमारी बहनें और बेटियां पढ़ रही हैं
उनको पहले दिया जाए। हर कोई एक सा नहीं होता, हर महिला एक सी नहीं होती। और अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो गुलाबी गैंग इसको हटाने का खुद काम करेगी और इसको हटाएगी।